NTA UGC NET यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। देखिए दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है और आगे जैसे जुलाई 2016 में, जून 2015 में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी आए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, दिसंबर 2012 तक क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ए का कूट सी है, यानी कि ए को सी लिखा जाता है, एम को आई लिखा जाता है, एन को पी लिखा जाता है। तो इस तरीके से सभी शब्दों को दूसरे से रिप्लेस किया जाता है। तो कंपनी है, कंपनीज को हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी दोस्त क्या करेंगे कि एक एक चीज़ लिखेंगे कि जैसे ए को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, यहाँ पे एम को कहते हैं, आई कहते हैं, इस तरीके से सारे के सारे शब्द लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द ये क्वेश्चन किस तरह से करना है वो हमें आना चाहिए। देखिए हमारा जो तरीका है वो उस तरीके से आप देखने की कोशिश करिए और जिससे आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे कि हम लास्ट के अंदर इसमें तीन चीज़ ले लेंगे, जैसे आई ई एस, ये तीन चीज़ ले लेते हैं और इन्हीं से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पूरा कंपनी जो है, कंपनीज का जो कोड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के अंदर देखिए आई ई एस ये ले लेते हैं, आई ई एस। अब देखिए आई को हम इसके अंदर किसके द्वारा लिखते हैं, आई का ए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आई को ए से लिखते हैं। फिर है ई, ई को हम किससे लिखते हैं, ई का है एम, ई का क्या है दोस्तों, एम है। और उसके बाद में एस, एस को किससे डिनोट किया जाता है, ये देखिए एस का है ओ, एस को किससे रिप्लेस किया जाता है, ओ। तो अब हमें लास्ट में जो आई ई एस है इसकी जगह ए एम ओ कौन से ऑप्शन में है वो हमें देखना है दोस्तों। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए एम ओ, यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, एक में, दो में, तीन में नहीं है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और इसमें आपको पूरी की पूरी जो डिजिट है, यानी कि पूरा जो नाम लिखा हो उसका डिकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के तीन अक्षर कीजिए, वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से 10 सेकेंड के अंदर ये आंसर निकाल सकते हैं। और आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, उनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आगे इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन जो शब्द है, सिलेक्शन को ये लिखा जाता है क्यू सी जे सी ए, यानी कि ये इन्होंने शब्द दिए हैं ये लिखा जाता है, तो अमेरिकन्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके अंदर भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि लास्ट के चार अक्षर लेंगे, लेकिन नॉर्मली दोस्त क्या करते हैं वो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि शुरू के जो अक्षर होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। और वो क्या होगा दोस्तों, अगर आप शुरू से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम लास्ट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से और जल्दी से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन है और ये जो है, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले हम जैसे लास्ट में ही लेते हैं टी आई ओ एन, ये ले लेते हैं, और नीचे ये ले लेते हैं। ठीक है, एन को एल लिखा जाता है, ओ को एम लिखा जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर रिलेशन देखते हैं। अब देखिए एम जो एन है हमारा 14 पे आता है दोस्तों, और एल है वो आता है हमारा 12 पे आता है। फिर ओ है, ओ आता है हमारा 15 पे आता है, और M जो है, M कितने पे आता है दोस्तों, हमारा 13 पे आता है। ठीक है, और फिर I जो है दोस्तों, I आता है हमारा 9 के ऊपर आता है, और G है हमारा 7 के ऊपर आता है। अब देखिए दोस्तों इनके अंदर आप एक चीज़ देखिए, ये 14 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है, तो ये दो दो कम होते हुए जा रहे हैं। ऊपर की जो डिजिट है दोस्तों उनमें से दो नंबर कम करके नीचे वाला लिखा गया है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं।
ठीक है। और जैसे ये है टी, है टी हमारा कितने पे होता है दोस्तों, टी 20 यानी कि मैंने बताया था 20 पे होता है टी। और नीचे है आर, आर कितना है 18 पे, यानी कि दो नंबर कम कर दिए ना, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दो दो कम हो रहे हैं। तो यही काम हम इसमें करेंगे दोस्तों, सी ए एन एस। अब देखिए जो एस है, एस कितने पे होता है दोस्तों, एस होता है हमारा 19 के ऊपर होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 19 हो गया। और जो एन है, एन होता है हमारा 14 के ऊपर होता है। ए जो है, ए होता है हमारा 1, और सी जो होता है वो होता है हमारा 3। अब इनमें से दो दो कम कर दीजिए, अब 19 में से दो कम करेंगे 17, और 17 पे क्या आता है हमारा दोस्तों, 17 पे आता है हमारा क्यू आता है। फिर है एन यानी कि 14, 14 में से दो कम करेंगे 12 आएगा, 12 पे क्या अक्षर आता है हमारा एल आता है, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आता है दोस्तों जैसे हमारे पास ए, ए में से हम दो कम करेंगे तो एक तो ए कम हो गया और एक जेड कम हो गया, तो क्या आएगा दो कम करने पे हमारे यहाँ पे वाई आएगा। फिर है सी, सी में से जब हम दो कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए। तो अब हमें ये देख लेना है दोस्तों, लास्ट के जो 4 डिजिट है ए वाई एल क्यू, इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा ए वाई एल क्यू यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर लास्ट के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों केवल और केवल हम ये 4 यूनिट निकाल के, 4 जो अक्षर है इनको डी कोड करके हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें पूरी की पूरी ये ए एम ई आर आई, ये पूरे की पूरी जो अक्षर है उनको डी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हर क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से करना है हमें, बिल्कुल आसान है। और जो लोग सोचते हैं कि रीजनिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, हमारे समझ में नहीं आती, तो दोस्तों ये हमारे अंदर एक गलत फहमी भर जाती है, तो उसको आज तोड़िए। अब देखिए अब आया है हमारा ये अगला क्वेश्चन, इसके अंदर मथुरा को इस तरीके से लिखा जाता है, तो होटल्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे दोस्तों, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है इनके अंदर। देखिए जैसे एक मिनट, देखिए ए है, ए हमारा होता है 1 पे होता है, ठीक है। और जो x है, x कितने पे होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था x y z, यानी कि जो z होता है 26 पे होता है, y x y z यानी कि 24 25 26 यानी कि ये होता है 24 पे होता है हमारा। और जो r है, r होता है हमारा 18 पे होता है दोस्तों। और जो o होता है वो होता है हमारा 15 पे होता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। यू जो होता है हमारा वो 21 पे होता है, 21। और जो आर उसके बाद है आर, आर होता है हमारा 18 पे होता है। तो अब इन सभी में देखिए दोस्तों कितने कितने का डिफरेंस है, अब इनके अंदर देखते हैं हम कितने का डिफरेंस है। जैसे ए हमने देखा था, ए है हमारा 1, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ए है हमारा 1 पे और जो एक्स है वो 24 पे, तो इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों के अंदर हमारा 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारा 3 का डिफरेंस है। फिर 18 और 15 के अंदर ये देखिए, इन दोनों के अंदर कितने का, 3 का डिफरेंस है। और फिर ये देखिए 21 और 18 के अंदर भी हमारा 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 डिफरेंस है। और ये जो 3 है दोस्तों ऊपर से माइनस हो रहा है नीचे की तरफ, ऊपर जो है उनमें से 3 जो 3 नंबर है वो कम करके नीचे डिजिट लिखी गई है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे 18 था, आर था, 18 में से 3 गए 15 का आ गया हमारे पास ओ आ गया। तो इसी तरीके से हमारा जो होटल है उसके अंदर करना है, ठीक है। तो अब होटल में करके देखते हैं, और होटल में भी हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे। अब देखिए होटल की 3 डिजिट ले ली ई एल एस, अब ई एल एस में 3 कम करते हैं। अब देखिए एस जो है, एस हमारा कितने में होता है दोस्तों, एस होता है हमारा 19 पे होता है, सॉरी एस होता है हमारा 19 पे होता है। 19 पे हम जब 3 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, तो 16 पे क्या होता है हमारे पास पी होता है। फिर आ गया L, L कितने पे होता है, L होता है हमारा 12, 12 में से जब हम 3 कम करेंगे तो 9, और 9 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है हमारे पास I। अब बात आती है E, E होता है हमारा 5 नंबर पे, 5 में से जब हम 3 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आएगा, 2 पे होता है दोस्तों हमारे पास B। अब देखिए BIP हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है लास्ट के अंदर, तो BIP है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो इसमें देखा दोस्तों, हमने पूरा जो होटल है पूरे होटल की डिजिट को डिकोड नहीं किया है, हमने हमने केवल लास्ट के 3 जो अक्षर हैं उनको डिकोड किया है, वहीं से हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रीमर्स। अब स्ट्रीमर्स का कूट इन्होंने ये दिया है, तो नॉलेज का क्या होगा वो हमें देखना है। अब देखिए, इसके अंदर हम वही चीज़ करके देखते हैं कि लास्ट के अंदर 3 डिजिट ले लेते हैं, पूरा शुरू से नहीं करेंगे, लास्ट के अंदर 3 डिजिट लेके देखते हैं। अब देखिए, लास्ट के अंदर हमने ये 3 डिजिट ले ली, ERS ले लिया। अब देखिए, जो एस है हमारा 19 पे दोस्तों, ये मैं लिख लेता हूँ, एस है हमारा 19 पे, आर जो है दोस्तों, आर है हमारा 18 पे है, 18, और जो ई है दोस्तों, ई हमारा कितने पे आता है, ई आता है 5 पे आता है, ठीक है। और अब नीचे देखते दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए, आर जो है, आर है हमारा 18 पे, और जो क्यू है हमारा 17 पे, डी है हमारा 4 पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19, 18, 18, 17, 5, 4, यहाँ से अब हमें पता चल गया ना कि ऊपर जो डिजिट है उसमें से एक माइनस करके नीचे डिजिट लिखी गई है, तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल गया। तो हमें इसमें भी क्या करना है दोस्तों, ऊपर जो डिजिट है उनमें से एक एक माइनस करके नीचे लिखना है। सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि हमें सभी अक्षर पता होना चाहिए कि के कितने पे है, एन कितने पे, ओ कितने पे, डी कितने पे, जी कितने पे आता है ABCD के अंदर, ठीक है। तो इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप केवल और केवल 5 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं W कितने पे, O कितने पे है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं अल्फाबेटिकल रीजनिंग। अब देखिए, अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, जैसे लास्ट के 3 अक्षर लेते हैं DGE, और ऊपर हमने देखा कि एक एक माइनस होता हुआ आ रहा था ऊपर से, तो ई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई कितने पे, ई होता है दोस्तों हमारा 5 नंबर पे, फिर जी, जी होता है हमारा 7 नंबर पे, फिर डी, डी होता है हमारा 4 नंबर पे। अब एक एक कम करते हैं, 5 में से एक कम किया 4, 4 पे होता है हमारे पास दोस्तों डी। अब देखिए जी, जी है 7, 7 में से हमने एक कम किया तो 6 पे क्या होता है दोस्तों हमारे पास, वो होता है F होता है, 6 पे होता है हमारे पास F। फिर है D, D है 4, 4 में से जब हम एक कम करेंगे 3, 3 होता है दोस्तों C पे, ठीक है। अब CFD देखना दोस्तों हमें यहाँ पे किसके अंदर है, तो ये देखिए CFD लास्ट के अंदर, इसके अंदर है CFD, तो ये जो B इसका आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल आसानी से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद भी कई क्वेश्चन आए हैं, देखिए ये जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और आप करके देखना दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल के देखना, आंसर वैसे साथ के साथ दिए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे दोस्तों ये है सितंबर 2013 का है, और इसका क्वेश्चन आप सभी बताना दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना कुछ क्या सीख रहे हैं। सितंबर 2013 का इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ये सभी के सभी दोस्त अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना और मुझे बताना कि क्या इसका राइट आंसर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं। और इसके बाद भी और भी कई क्वेश्चन है, जैसे दिसंबर 2013 में आया है, यहाँ पर ये हमने आंसर भी दिया हुआ है, तो आप ये चेक करना कि क्या इसका आंसर यही होगा या नहीं होगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, करवाने को मैं करवा सकता हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ दिए हैं, ये आप करके देखना, और इन क्वेश्चन में आप आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।